That's alright. तो हेलो गाइस दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको मैजिक क्यूब सेक्शन में कौन कौन से अपडेट्स देखने को मिलेगा और इंडियन सर्वर में आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एकदम फुल डिटेल्स में। तो वीडियो पर बने रहना। और दोस्तों एयर अपडेट्स इंडियन सर्वर में आ चुका है, तो आपको इंडियन सर्वर में कब तक मिलेगा तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसका जो मेल वर्जन आ चुका है हमारे मैजिक क्यूब सेक्शन में, सब फीमेल वर्जन भी हमारे इंडियन सर्वर में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते जो लेडी बंडल है भी आ सकता है हमारे यहाँ पर मैजिक क्यूब सेक्शन में। उसके बाद देख सकते लड़का का जो बंडल है ये बहुत ही रेयर आइटम है। उसके जो हेड है वो आप देख सकते, उसका हेड एकदम क्रिकेटर टाइप लगता है। तो दोस्तों वीडियो तक पहुँच सके सबसे पहले और हमारे फुल टाइम गेमिंग की फैमिली बन जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते एक नया बंडल भी आ चुका है। नया बंडल तो नहीं बोल सकते पर इसको डायमंड रोल बंडल बोल सकते हैं, क्योंकि डायमंड रोल में आ चुका है। अभी मैजिक क्यूब में आने वाला, तो कौन कौन इसको बाय करेगा जाके कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते ये भी डायमंड रोल में आ चुका है। तो इसके बाद आप देख सकते रेड वाला बंडल भी आ चुका है हमारे डायमंड रोल में, आया था ब्लैक वाला, हाँ रेड वाला आ चुका था हमारे डायमंड रोल में। और यहाँ पर देख सकते लेडी बंडल भी बहुत ही पहले आ चुका था हमारे डायमंड रोल में। तो यहाँ पर अधिकतर डायमंड रोल के बंडल्स आपको मैजिक क्यूब सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे ओपी वाला रेड रेयर आइटम यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लैक शैडो कुछ इसका नाम था। इसका मेल और फीमेल वर्जन दोनों आने वाला मैजिक क्यूब सेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों फीमेल वर्जन उतना मेरे को खास नहीं रहता, बट मेल वर्जन का जो लुक है लुक पे मैं फिदा हो जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों उसके जो हेड का जो आइस में लुक आता है बहुत ही ओपी वाला आता है। यहाँ पर आप देख सकते दूसरा जो बंडल उतना खास नहीं है, बट रेयर आइटम नहीं है बट उतना खास नहीं है, रेयर आइटम है बट उतना खास नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरे बंडल भी आ चुके हैं हमारे गेम में। उसके बाद आर्टिक ब्लू बंडल हमारे गेम में आ चुका था, बहुत ही ओपी वाला अपडेट है। और कब तक हमारे इंडियन सर्वर में आएगा तो मैं सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहना। और जो जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों ओपी वाला आर्टिक ब्लू बंडल आ चुका है मैजिक क्यूब सेक्शन में। तो इसको रिडीम करने के लिए 2 या 3 मैजिक क्यूब आपको लगेगा, तो रखे रहना संभाल के। मैजिक क्यूब यूज़ मत करना बेकार का, नहीं तो आप आर्टिक ब्लू बंडल यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब रिडीम नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, तो वीडियो को बने रहना दोस्तों। मैं लास्ट में बताऊँगा कब तक आ जाएगा अपडेट्स इंडियन सर्वर में। तो यहाँ पर एक दूसरा सामुराई बंडल कुछ नाम है इसका, यहाँ पर भी आ सकते हैं फीमेल और मेल वर्जन दोनों में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते नाइट जनरल बंडल आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर लेडी फीमेल वर्जन में और मेल वर्जन में दोनों में आ चुका है। तो इसका भी उतना खास नहीं है बट है। उसके बाद देखिए जो जोकर वाला बंडल भी आ चुका है हमारे इंडियन सर्वर में। हमारे इंडिया सर्वर में कब तक आएगा तो सब कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। यदि आपको यहाँ पर देखने को मन नहीं गया तो आप लास्ट में भी स्किप करके देख सकते हो, तो आप मिस कर जाओगे हमारे कुछ बंडल जो एकदम रेयर आइटम्स हैं। यहाँ पर देखो जोकर भी बहुत ही रेयर आइटम है, और आपको डायमंड खर्चा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों, सब कुछ मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो सामुराई बंडल बोल के बंडल, यहाँ पर साइड में आपको इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सामुराई म्यूस्क्यूलेंट्स नाम है। यहाँ पर आप देखो इसको आपको एक मैजिक क्यूब एक्सचेंज में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अपडेट्स कब आएगा? दोस्तों अपडेट्स आने वाला दिवाली में, दिवाली के फर्स्ट दिन में आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको मैजिक क्यूब से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, तो बहुत ही ओपी वाला अपडेट्स आ रहा है दोस्तों। जिसको इसको नहीं पता दोस्तों दिवाली कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ 13 या 14 तारीख दिवाली है। तो उसी दिन आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा, एक मैजिक क्यूब कुछ इसका नाम था इवेंट का, मैजिक क्यूब धमाका इवेंट है कुछ उस टाइप का नाम था। तो उस इवेंट में आपको देखने को मिल जाएगा एक्सचेंज करने का। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ आर्टिक ब्लू बंडल को आप ज़्यादा से ज़रूर एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि आर्टिक ब्लू बंडल बहुत ही रेयर आइटम है और बहुत ही कम जन के पास है। तो आप उसको यदि रिडीम कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि बहुत ही रेयर आइटम है। आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दिखाने के लिए दोस्तों। वीडियो को जो अच्छा लगा, वीडियो जिसको जिसको अच्छा लगा, तो वीडियो को बने रहना नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दो भाई लोग एक सब्सक्राइब, आपको चुतिया बनने से बचा।